अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बनाएंगे जी? आज हम बनाएंगे फ्लावरलेस ब्राउनी कुकीज़। मैदा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, और हम बनाएंगे, इसमें हम अखरोट डालेंगे। अब अखरोट को जब मैं साफ़ कर रही थी, तो आई वॉन्टेड टू शो यू दिस कि अगर आप लोग अखरोट ऐसे साबुत भी बहुत सारे पीसेज आते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह होता है, राइट, इस तरह होता है, ओके, ठीक है। बीच में से खोलना ज़रूरी है, और बीच में से जो ये चीज़ें निकलती हैं इसको फेंकना ज़रूरी है। बहुत सारी बड़ी बेकरीज़ की भी मैंने डिज़र्ट्स खाए हैं, उनमें ये ऐसे ही डाल देते हैं और ये मुंह में बहुत अजीब सा लगता है। सो दिस हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। अखरोट घर लाएं तो उसको साफ़ करके देखा करें। अभी यहाँ कोई खड़े खड़े मेरी अखरोट मेरे लिए साफ़ कर रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ साफ़ नहीं करें, मुझे दिखाना है अपने व्यूअर्स को। अच्छा, कल जो मैंने डिंग डोंग केक बनाया है, उबैद ने बहुत ही अच्छा बना के मुझे तस्वीर भी भेज दी है। उबैद, आई एम सो इम्प्रेस्ड, थैंक यू सो मच कि आपने रेसिपी ट्राई की है और आपने बनाया है, और इसी तरह आप लोग सब रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, मुझे तस्वीर भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। कस्टर्ड हैड टू बी वेरी वेरी चिल्ड, ठंडा, यक ठंडा कस्टर्ड होगा, गाढ़ा सा, तो ही आप उसके बीच में रख सकेंगे एज एन आइसिंग, ठीक है, ओके। चलें, अब आज मुझे क्या करना है, नेक्स्ट रेसिपी हमारी खोपरा पैटीज़ है। सो आलू बॉईल करके लेके आई हूँ, इसके बीच में कुछ चीज़ें डाल के हम छोटे छोटे पैटीज़ बना देंगे। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि कीमा ही हो पैटीज़ में, ठीक है, चिकन का या गोश्त का या ऐसे ही कुछ हो, कुछ हल्का फुल्का भी खाया करें, और ये आप स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, ठीक है। इसमें खोपरा और ड्राई फ्रूट वगैरह जाएगी, देखिएगा। सुनाओ, सबसे पहले मेरे पास यहाँ 1.5 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, उसमें हम 6 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, चुटकी भर नमक जाएगा, और 2 अंडे की सफ़ेदियाँ मैंने यहाँ अलग करके रखी हुई हैं, 2 जर्दियाँ मैंने यहाँ रखी हुई, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ 2 सफ़ेदियाँ पहले डालेंगे, फिर देखेंगे अगर मिक्सचर स्टिकी होगा तो ठीक है, वरना फिर अगर आपको डालनी पड़े तो एक और, इसलिए मैंने अभी एक अंडा नहीं तोड़ा है, यहाँ रख दिया है। अच्छा, इसमें हम चॉप करके अखरोट डालेंगे, एक एक अखरोट आप ऊपर से भी रख सकते हैं, वेनिला एसेंस जाएगा, थोड़ा सा तेल जाएगा। सो ना इन कुकीज़ में मक्खन है, ना इन कुकीज़ में मैदा है, ठीक है। देखिएगा, इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, आगे के दिनों में भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने प्लान की हैं। सो सबसे पहले आई विल टेक अ बिग बोल, बिकॉज़ मुझे हर चीज़ सिर्फ मिक्स करनी है, ठीक है, और कुकीज़ को बेक करना है। अच्छा, एनेक्स की तरफ से आज है डिलक्स सैंडविच मेकर। अब सैंडविच मेकर में बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने बनाना आपको सिखाई हैं, मसलन के केक, दही बड़े, याद है आपको, ठीक है। सो आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो फिर आपने अगर जीतना है हमारे शो के थ्रू, तो आपने मुझे बताना है ड्राई फ्रूट के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और सारे मेरे स्टाफ क्रू मेरा प्लीज़ सुन लीजिए एक सवाल क्या है, क्योंकि ज़ारनक अगर 5 मिनट बाद भूल जाएगी तो प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है, ओके। नाउ मुझे क्या करना है, चीनी लेनी है, चीनी है 1.5 कप, 1.5 कप पिसी हुई चीनी। आजकल इतनी ह्यूमिडिटी है कि बिल्कुल चीनी पीस के भी मैं रखती हूँ एयर टाइट डब्बे में, फिर भी ऐसे लम्प्स हो जाते हैं इसमें। अच्छा, अब इसके बाद आपने डालना है कोको पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा सा ही नमक है, ये थोड़ा सा नमक चला जाएगा, और कोको पाउडर मुझे ये ज़्यादा है, सो आई हैव टू जस्ट टेक लेवल 6 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि ये है भी बहुत डार्क, मैंने अभी 4 डाले हैं, बिकॉज आई नो कि ये बहुत सारा है। फिर इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, ठीक है, और तो नमक, कॉलर है जी, हेलो, ओ ओके ओके, सॉरी, वाउच 365 भी है इन एडिशन टू एनएक्स का गिफ्ट आज, ओके ओके, सो वाउच 365 के बुक के लिए भी आपने ये ड्राई फ्रूट वाला सवाल ही कर मैंने किया हुआ है, ठीक है। सो कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के मेरे फैंस एंड व्यूअर्स जो हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं ये किताब इन एडिशन टू आर एनएक्स का गिफ्ट, तो जल्दी से आप मुझे 888 पे SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए ड्राई फ्रूट्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ओके। सो नाउ 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 6 चमचे कोको पाउडर, चुटकी भर नमक गया इसमें, ठीक है, आपने 2 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ इसमें डाल दी। बाज़ वक्त अंडे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, यहाँ तो हमें एक ही साइज़ के मिलते हैं, लेकिन बाहर के हमारे जो फैंस एंड व्यूअर्स हैं उनको हर किस्म के साइज़ के मिलते हैं, तो इसीलिए 2 छोटे अंडे की सफ़ेदियाँ आपने पहले डाल दी। फिर आप इसमें वेनिला एसेंस भी मैंने डाल दिया है, अब मुझे इसमें तेल डालना है, 2 टेबल स्पून तेल,
ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर और क्या है जी? चीनी, कोको पाउडर, नमक, तेल, वेनिला एसेंस और दो अदद सफ़ेदियाँ पहले डालिएगा, तीसरी हम बाद में डालेंगे इफ़ वी नीड इट, अदरवाइज वी विल नॉट ऐड। अब ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह पहले मिक्स करना है, फिर इस कुकी के डो को आपने ठंडा करना है ताकि आप उसको स्कूप से, आइसक्रीम स्कूप से निकाल सकें। इसमें चॉप करके मैं अखरोट डालूंगी, ठीक है, अब ये साबुत हैं, अभी चॉप करके डालनी है। मैदे के बगैर की कुकीज़ बनते हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल माई फैंस एंड व्यूअर्स जो मुझे लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, हमारे पेज पे लिखते हैं, मुझे इंस्टा पे तस्वीरें भेजते हैं, जो सारी चीज़ें वो लोग खुद बनाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, रियली मेक्स माई डे जब आप लोग चीज़ें ट्राई करते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। देखा आपने, ये अच्छी तरह मिक्स करिएगा, यू डोंट नीड अ मशीन, मशीन के बगैर भी हो जाएगा हाथ से, लेकिन मैं इस दबा दबा के इस तरह कर रही हूँ बिकॉज ये लम्स रह गए हैं चीनी के इसके अंदर। अब अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूंगी आफ्टर आई पुट माय अखरोट इन। अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक में मैं अखरोट को चॉप कर दूंगी मोटा मोटा और इसमें डाल के आपके लिए वेट करूंगी, आप लोग आएंगे फिर इसको हम बेक करेंगे, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो कि आज है, सैंडविच मेकर और वाउच 365 के कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें एसएमएस करके बताएंगे ड्राई फ्रूट के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था व्हाइल्स्ट आई वाज चॉपिंग द वॉलनट्स। ये वॉलनट्स चॉप किए हुए हैं, ये आप डाल देंगे। अब आप इसको मिक्स करेंगे, देखा आपने, मैदे के बगैर के कुकीज़ हैं। इसमें है 1.5 कप चीनी पिसी हुई, 6 चमचे कोको पाउडर, चुटकी भर नमक, 2 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ मैंने डाली हैं, तीसरी मैंने लिखा है इफ़ यू वांट यू कैन ऐड बट वो बहुत स्टिकी हो जाएगा फिर, ठीक है। और 2 चमचे तेल है, 1 टीस्पून भर के मैंने वेनिला एसेंस डाला था, और 1 कप चॉप किए हुए अखरोट। ये देखें इस तरह का होना चाहिए और आपको इसको ठंडा करना है, तो जितना मुझे 5-7 मिनट मिल गए ब्रेक में मैंने इसको ठंडा कर दिया। सो नाउ वी हैव टू पुट दिस टू बेक। थोड़े से ही कुकीज़ बनेंगे, इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं अखरोट। सो इसको हम स्कूप आउट करते हैं, दूसरा ये अंडा वी डिडंट नीड इट, इसलिए पहले 2 डालिएगा आप भी, ओके। स्कूप करके ऐसे ले लीजिएगा और रखते जाइएगा। ब्राउनी का बैटर ही लग रहा है ना, ठंडा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये फिर बहुत ज़्यादा फैले नहीं। ठीक है, अब इसको मैं फौरन ओवन में रख देती हूँ। दूसरी भी मैं बना लेती हूँ।
थोड़े से ही बनेंगे। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, किस किस को जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी से 8881 पर एसएमएस करके बताइए। ड्राई फ्रूट के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इसको ठंडा करना ज़रूरी है। बार बार मैं कहती हूँ इसमें मैदा नहीं है ना, इसलिए इसको बाइंड करना है हमने। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, जितना लिखा है उतना ही डालिएगा सब कुछ, ठीक है। अब मैंने सारे अखरोट अंदर डाल दिए, वरना थोड़े से और मैंने बचाए होते तो मैं ऊपर रखती। कोई बात नहीं, उसमें तो हमने किया हुआ है। 10 से 12 मिनट इस कुकी को आपको बेक करना है। इसमें मैदा नहीं है, चीनी की मिकदार ज़्यादा है, टेस्ट में ऐसे लगेगा ब्राउनी खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्राउनी में भी आपको पता है ना चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। एक कॉलर हैं, करते हैं उनसे बात। हेलो, ओहो लाइन कट गई, सॉरी जी, दोबारा ट्राई करें प्लीज़, थैंक यू सो मच। चलिए, वन स्मॉल कुकी कैन कम आउट ऑफ दिस। अब इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, बिकॉज अदरवाइज यहाँ ये बहुत फैलती रहेगी। ओके, ठीक है जी। सो 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 6 चमचे कोको पाउडर, चुटकी भर नमक, 2 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ, 2 टेबलस्पून तेल, 1 चमचा भर के हमने डाला था वेनिला एसेंस और 1 कप अखरोट चॉप करके, और फिर आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। आपका मैंने वो बनाया था, वो जो आपने बनाया था ना, ये सेवइयों का मसाफा। अच्छा, बहुत मजे का बना, बहुत ही, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, छोटे को कह रहे मम्मा अभी दोबारा बनाए, खत्म नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैंने उसी वक्त बना लिया, बहुत मजे का था। गुड गुड, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। सवाल है आपका? जी सवाल है, वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं और इनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर है। ड्राई फ्रूट्स के नाम आपने 8881 पे एसएमएस करने हैं। ड्राई फ्रूट है पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर, मेवे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैश पोटैटोज़ हैं यहाँ, 2 से 3 बड़े मैश पोटैटोज़ लीजिएगा। आलू को छिलका निकाल के चॉप करके बॉईल कर दीजिएगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है। अब इसमें आपने सिर्फ नमक डालना है और उसको अच्छी तरह दोबारा हम मैश करके रख देंगे, बिकॉज़ मैंने उसमें बॉईल करते वक्त नमक नहीं शामिल किया था। फिर हमने क्या करना है, एक और बोल में ले लूँ ताकि उसमें मैं फिलिंग मिक्स कर दूँ। एक फिलिंग वाले ये आलू के पैटीज़ हैं, फिलिंग में खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट। सो ये डेसिकेटेड कोकोनट है, नारियल का बुरादा, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से आज कार लगी है, बरन लग गई, बहुत अच्छे बात। जी शुक्रिया, फरमाइए। जी मुझे मैंगो पुडिंग आपसे बनवानी थी। मैंगो पुडिंग? जी, कस्टर्ड टाइप का क्या? मैंगो पुडिंग या आइस मैंगो पुडिंग जो बनती है ना, तो वो मैंने एक रेसिपी देखी नहीं, देखी थी उससे, लेकिन उसको फुल नहीं देखा था, तो मैंने कहा था मैं आप ही को। अच्छा ठीक है, करेंगे आपके लिए, ओके बना लेंगे, ठीक है। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत, आप इतनी अच्छी वैरायटी लाती हैं, मुझे बहुत मतलब पहले से मुझे सोचती हूँ कि ये कहाँ से लाती हैं और इतनी अच्छी वैरायटी, और हम लोग बहुत आसानी से आपकी रेसिपी को फॉलो भी करते हैं और बनाते भी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। इसी तरह मैं सवाल का जवाब भी दे दूं। जी जी, मेरे कल में मैंने मैसेज भी कर दिया, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश है और चिलगोजे हैं, ठीक है, ओके, और काजू है। ओके, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। ओके, फिलिंग के लिए धनिया है चॉप किया हुआ, और ये नारियल का बुरादा है, लेमन जूस है,
ठीक है, और क्या डालेंगे हम? अच्छा, इसी में हम काजू डाल देंगे, ठीक है, और किशमिश धो के डंडियाँ निकाल के प्लीज़, ठीक है, ऐसे नहीं डाल दीजिएगा, ये भी हो गया, और हरी मिर्चें। सो आलू हैं मैश किए हुए, बॉईल किए हुए, नमक है इसमें, यहाँ है हरी मिर्चें, लेमन जूस, हरा धनिया, किशमिश, काजू, ठीक है, थोड़ा सा आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल दीजिए, या आप रेड चिली पाउडर इसमें, रेड चिली पाउडर हम इसमें डाल देते हैं, एंड इसको मैं अच्छी तरह मैश अप कर देती हूँ। इफ़ आई हैव अ मैशर हियर, इनिक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर वाउच 365 की कूपन बुक्स अगर जीतनी हैं तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे ड्राई फ्रूट के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक की तरफ चलना है, ठीक है, ब्रेक में हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ों को इसको मैश कर देंगे। रेगुलरली नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं ब्रेड क्रम्स, मैंने लिखे भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अंडे में डिप कर दें, ब्रेड क्रम में कोट कर दें और इस तरह आप इसको फ्राई कर दीजिए, क्रंची सा बाहर का कोटिंग होगा, अंदर से आलू होंगे, और फिर ये अब जब आप खाएँगे तो ये अंदर से डिफरेंस ही एक रेसिपी होगी ऑफ फिलिंग, मतलब हमेशा चिकन का कीमा होता है या फिर गोश्त का होता है, तो फिर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाया करें, ठीक है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जल्दी से SMS करिएगा अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी से SMS करिए 8881 पे, बताइए ड्राई फ्रूट्स के नाम, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। अब मैंने इतने बड़े बड़े ये बनाए हैं, आप लोग देखेंगे तो हंसेंगे, ये यू नीड टू मेक बिग फ्लैट ऐसे, इसमें आप अंदर ये सारी चीज़ें भरेंगे, ठीक है, और दूसरा आलू ऊपर से रखेंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे। डायनासोर के अंडे बनाए मैंने बड़े बड़े, इतने बड़े नहीं बनते हैं, बस वो मैंने ज़रा आज चीटिंग की, ठीक है, और अब मैं ज़रा हाथ वाथ धो लूँ। इसको आपने डिप करना है एग में और ब्रेड क्रम में कोट करके फ्राई कर देना है। नाउ कुकीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग हंसेंगे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फैल गई हैं जिनकी कोई हद नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कुकीज़ हमारी बन गई हैं, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो, ओहो भाई क्या हो रहा है आज, ये देखें ब्राउनी वाली कुकीज़ बड़े बड़े, अब इनको मुझे निकालना पड़ेगा बिकॉज मुझे दूसरी ट्रे को रखना है। इससे उठाया नहीं जाएगा मुझसे, और जो ट्रे हमने फ्रिज में रखी थी उसको भी रख देते हैं। ठीक है, ओके, सही है, समझ आ गई। नाउ द कुकीज लुक लाइक ब्राउनीज, दे हैव स्प्रेड। मुझे जगह छोड़नी थी, नेक्स्ट वाली होपफुली बेटर होगी। अब हम एक फ्लैट चम्मच लेंगे इस तरह का जिससे हम इसको उठा सकें आराम से, और सिलिकॉन का मैट भी ख़राब नहीं हो, ठीक है। सो यू सी कितने ये गुई बने हैं, सॉफ्ट से बने हैं, जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ब्राउनीज खा रहे हैं। सो डेफिनेटली मेक दिस एट होम। अभी इसको मुझे जाली पे रखना है। कॉलर हैं जी, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? थैंक यू जी, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच जी, जो आपके सवाल का जवाब भी देना है जी। काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर, छुआरे, खोपरा, ओके, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खोपरा ड्राई फ्रूट नहीं,
इसको हमें डीप फ्राई करना है। तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, इसमें कोई कच्ची चीज़ तो है नहीं। सो व्हाट वी विल डू इज़ अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में कोट करेंगे, इसको फ्राई कर देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे विद केचप और एनी सॉस यू वांट। ये जो कुकीज़ हैं उनको हम जाली पे ही ठंडा होने देंगे, अभी नहीं निकालेंगे, इसको इसी ट्रे पे ही रखते हैं, बिकॉज देखें बहुत सॉफ्ट हैं। ठीक है, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा इसको बेक नहीं करिएगा। आलू बॉईल किए हुए थे, उसमें मैंने नमक और लाल मिर्चें डाल दी फॉर जस्ट द फ्लेवर, और मैंने खोपरा लिया, लेमन जूस लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काजू, किशमिश, ये सब कुछ आपने मिक्स करके इसका इस तरह का ये देखें ये इस तरह का। अच्छा, हम ब्रेक ले सकते हैं अभी? कैन वी टेक अ ब्रेक? अच्छा, एक कॉलर है। अच्छा, हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जरनेक? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। सवाल का जवाब देना है जी। अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब भी नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी नीड टू डू समथिंग, वी विल टेक अ ब्रेक और हम वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। वाउच 365 की किताब है, और इसके अलावा देयर इज़ एनेक्स की तरफ से डीलक्स सैंडविच मेकर। जल्दी से 8881 पे आप हमें SMS करके बताइए ड्राई फ्रूट के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। स्टे ट्यून्ड। मज़े के कुकीज़ हैं कि मेरे दिल कर रहा है मैं भी खा लूँ। ये देखें, फ्लावरलेस, मैदे के बगैर वाले, जैसे ठंडे होंगे आपको निकालने हैं, जल्दी नहीं करिएगा। मैं ज़रा इसको भी देखूँ, मैंने सॉस पैन में इसको डीप फ्राई करने डाल दिया है 1 at a time, बिकॉज ये जी, अभी मैं दूसरी जो ट्रे रख चुकी हूँ उसको भी मुझे निकालना है। कुकीज़ भी डायनासोर और खोपड़ा पैटीज भी बिल्कुल डायनासोर वाले है ना। अब इनको हमें यहीं ठंडा होने देना है। तेल बहुत गर्म हो गया है, इसको आपने अच्छी तरह देखिएगा, ये अंदर रहे, मिक्स करिएगा, अंदर रखिएगा अच्छी तरह फिलिंग को, और इसको अंडे में डिप करिए, कोट करिए ब्रेड क्रम में, और फिर आप इसको फ्राई कर दीजिए। ठीक है, आप छोटे भी बना सकते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बनाए। आप नारियल वो वाला भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाला, ठीक है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। और वैसे भी इसमें कोई चीज़ कच्ची तो है ही नहीं, बस ब्राउन जैसे ही बाहर से हो जाए निकाल दीजिएगा। मैंने अभी चूल्हे पे इसलिए नहीं रखा बिकॉज द तेल वॉज वेरी हॉट। ओके, अब तक हम ये निकालते हैं कुकीज़। आठ से दस मिनट करिएगा सिर्फ बेक, ठीक है, ज़्यादा नहीं करिएगा, और पेपर नीचे नहीं लगाइएगा, अगर सिलिकॉन मैट है तो सही है, वरना आप पेपर निकाल नहीं सकेंगे। कॉलर हैं जी, हेलो 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 जी, हेलो जी जी, फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले हैं
आज का कोई सवाल है? जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स के नाम पूछे हैं हमने. और टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए. थैंक यू. बनाना क्या? ड्राई फ्रूट के नाम. ड्राई फ्रूट्स के नाम? जी. किशमिश? किशमिश क्या जी? क्या कह रही हैं? ड्रॉप हो गई लाइन. देखिए, जब भी आप लोग हमें कॉल करें ना, मुझे पता है आप लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि कॉल लग गई टीवी पे, लेकिन आप लोग क्या करिया करें कि हमेशा वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें. इसको निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए. ऐसे करते हैं, फिर पूरा एक ही खा लेते हैं, निकालते ही नहीं हैं ट्रे पे से. क्या ख्याल है? उप्स, 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 प्लीज टूट नहीं जाओ. इसी तरह क्रंची क्रिस्पी कुकीज बनेंगे. बताऊं कैसे? ऐसे. सॉरी बट आई हैव टू ईट कुकीज. कॉलर हैं जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी आप सरनाज? कैसी है आप? क्या जी, क्या कह रहे हैं? अरे आज लाइन का क्या मसला है? इसको मैं काट के बीच में से रखूंगी ताकि आप लोगों को नजर आए. वो दूसरी वाली कुकीज भी हम रख देते हैं. अच्छी तरह फ्राई होने दीजिएगा, तो कोटिंग जो है वो निकल ना आए, ताकि फिर उसको दोबारा बार बार इसको टर्न नहीं करिएगा. बस मैं ये कुकीज़ निकाल के रखूँगी और फिर इसी तरह आप एंजॉय करिएगा. अखरोट ज़्यादा इसमें डालिएगा ताकि वो बाइंड हो. एक और कॉलर हैं. हेलो. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. फरमाइए. मैंने आपके सवाल का आंसर देना है. जी. किशमिश, बादाम, पिस्ता, मूंगफली. ठीक है, थैंक यू. ठीक है. मैं आपका शो बहुत देखती हूँ. आपका शो बहुत पसंद है. आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. मुझे आपसे किस टाइम में ये कॉल आप फर्स्ट टाइम लगी है. मैंने सुन ली पीछे से आवाज. गिफ्ट चाहिए तो मैं क्या करूं? कुरानदाजी होगी ना जनाब. मुझे कुरानदाजी में जरूर शामिल किया. जी जी, सबको शामिल करते हैं, सबको शामिल करते हैं. डोंट वरी. ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. ब्राउनी कुकीज हैं जिसमें मैदा नहीं है. जो लोग मैदा नहीं खा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री चीज़ें चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये कुकीज़ हैं. ठीक है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा. 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उसको आप बेक करिएगा. चलिए एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं. व्हाट डू यू से? नहीं? अच्छा, ओके, ठीक है. नहीं नहीं तो नहीं. अब ये काट के रख देते हैं. हमारे जो पैटीज हैं. वेरी सॉफ्ट. आप देखिएगा बीच में से आपने जब काटा तो ये इस तरह का होगा. ठीक है, ये इस तरह का होगा. बहुत गर्म है अभी, मैं क्यों ये रिस्क ले रही हूँ. कॉलर हैं जी. कॉलर हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैम छो? ठीक छो. तमे कैम छो? मु ठीक छो. अच्छा जी, बोले मैम. मैं तलहा बात कर, बेचाना आपने क्या?
मैं तलहा बात कर रहा हूँ, पहचाना? तलहा जी, जी पहचाना पहचाना। आपने गुजराती सीख ली क्या मेरे से बात करने के लिए? जी हाँ जी, जी? आपसे बात करने गुजराती सीख ली मैंने। सीख ली आपने गुजराती, सीख ली, चले ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और मैम आंसर देना चाहूँगा जी, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, चलहोजे, खोपरा, चारे मगज, छुआरे और मेवा, अंजीर। अच्छा ओके ठीक है जी। और मैम मेरा नाम अपने दादी में शामिल कीजिएगा। जी जरूर करते हैं, जी करते हैं, सबको करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम इसको काट लें बिकॉज वो जो है, अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं एंड वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। लेस ब्राउनी कुकीज़, अच्छा पिसी चीनी 1.5 कप, कोकोआ पाउडर 6 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, अंडे की सफ़ेदियाँ 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अखरोट 1 कप, अखरोट चंद अदद टॉपिंग करने के लिए। तरकीब, एक बोल में पिसी चीनी, कोकोआ पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर लें, फिर इसमें 2 अंडे की सफ़ेदियाँ, तेल और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद 1 अंडे की सफ़ेदी डाल के फेंट लें। अब इसमें अखरोट शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें और 15 मिनट छोड़ दें। फिर ग्रीस की हुई बेकिंग शीट पे कुकी स्कूप की मदद से मिक्सचर रखें। उसके बाद हर कुकी पर ऊपर से अखरोट छिड़क के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक कर लें। आखिर में निकाल के ठंडा करें और सर्व कर दें। खोपरा पैटीज, अच्छा उबले आलू 2 अदद, कद्दूकश खुश खोपरा 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, काजू 5 अदद, किशमिश 7 से 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, वैसे लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चौप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, उबले आलूओं को मैश करके नमक डालें और मिक्स कर लें। फिर इसमें हरी मिर्चें, कद्दूकश खुश खोपरा, पिसी लाल मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर के छोटे बॉल्स बना के दरमियान में काजू और किशमिश रख दें। अब तेल गर्म करके बॉल्स डीप फ्राई करें, आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक, दीज आर द मोस्ट गुई फ्लावरलेस ब्राउनी कुकीज़ दैट यू हैव एवर हैड। ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, बनाइएगा, और सिलिकॉन का मैट हो तो बेहतरीन रहेगा, पेपर नहीं रखिएगा, अनलेस के नॉन स्टिक मैट हो, और नॉन स्टिक भी में भी फिर चिपक तो जाता ही है ट्रे में। मैंने 1.5 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी ली थी, 6 चमचे उसमें आपने लेवल करके कोको पाउडर डाला, चुटकी भर नमक डाला, मैंने इसमें सिर्फ 2 अंडे की सफ़ेदियाँ डाली थी सेपरेट करके, हाँ जर्दियाँ नहीं गई थी इसमें, 2 चमचे मैंने तेल डाला था और 1 चमचा मैंने वेनिला एसेंस डाला था। 1 कप भर के चॉप करके अखरोट डालिएगा और उसको आप मिक्स करके ठंडा कर दीजिएगा 1/2-1.5 घंटा, फिर स्कूप निकाल करके बेक कर दीजिएगा, दूर दूर रखिएगा कि चिपके ना, और बहुत मज़े की बनते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। 10 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, ठंडे करिएगा ट्रे पे, उसके बाद निकालिएगा प्लीज़, वरना जाली पे तो फ़ौरन टूट जाएंगे। और मैंने खोपरा पैटीज़ का फिलिंग जो बनाया था वो देखे, मैंने किस तरह काट के रखा हुआ है कि आपको नज़र आए कि अंदर फिलिंग किया है, ठीक है। आलू थे बॉईल करके, उसमें हमने नमक और लाल मिर्चें डाल के मैश करके रख दिया, और जो अंदर का फिलिंग था उसमें खोपरा था, लेमन जूस, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काजू, किशमिश, और बस सब कुछ मिक्स कर दीजिए, अंडे में डिप करिए, ब्रेड क्रम में कोट करिए और फ्राई कर दीजिए और निकाल के सर्व कर दीजिए। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात जी। अब हेलो, हेलो जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक। ईद गुजर गई आपकी? क्या जी? ईद गुजर गई? सबकी गुजर गई, क्यों? आपकी वक्त हम काम सर दूंगी। आपके साथ थे ना, आपने नहीं देखा शोज हमने किए थे ना? जी देखे थे। हाँ जी, फिर आपकी वक्त हम काम सर है जी। आलू बुखारा, खुरवानी, नारियल, बादाम, काजू, चिरहोजे, शतूत, खजूर। थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। चीज़ बर्गर स्लाइडर्स कल बनेंगे फूड डायरीज पे, और क्लाउड केक देखिएगा कैसे बनेगा। और लज्जत में आज चंकी सैलड, मैक्सिकन पास्ता बेक, श्रेडेड बेक्ड कैसाडिलास बनेंगे। और एनिक्स का गिफ्ट गया है हसना को लतीफाबाद, और वाउच 365 की कूपन बुक्स गई हैं रामीन को वाह कैंट और शाहिदा मुल्तान। आप सबको मुबारक हो, आप सबको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट्स पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। अब कल मुलाकात होगी 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे ऑन मसाला टीवी। ठीक है, तो देखिएगा सीखिएगा रेसिपीज़, हमारे साथ रहिएगा। सबका बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, कॉल करने का, हमें फेसबुक पे लिखने का, थैंक यू सो मच। चलिए जी अब कल वील सी यू विथ लवली रेसिपीज, तो देखना मत भूलिएगा 3:30 बजे लाइव। तो दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।